कितनी खस्ता कचौनिया बनी है ना, देख के लग रहा है ना। ये दाल की आप पूड़ी कह सकते हैं, चना दाल की पूड़ियाँ हैं, ये बहुत ही डिलीशियस होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। इसको बनाने के लिए मैंने ये एक कप चना दाल लिया है, ये अच्छे से मैंने इसको इसके कंकड़ उंकड़ बीन लिए हैं, और इसको मैं पानी में डालकर इसको करीब 3-4 घंटे के लिए सोक्ड कर देती हूँ, यानी भिगो कर रख देती हूँ। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगो सकते हैं। तो देखिए 2-3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से फूल गया है, यानी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम कुकर में डालकर इसको बॉयल कर लेते हैं, यानी 2-4 सीटी, जैसे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पानी डाल देंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, और हल्दी डालकर इसको हम अच्छे से करीब 2-3 सीटियों में इसको अच्छे से पका लेते हैं, जैसे अच्छे से वो गल जाए। जब तक हमारे आटे हमारा दाल पक रहा है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से सॉफ्ट डो को हमें गूंथना है। आटे जितना अच्छा गूंथा जाता है, कचौड़ियाँ यानी पूरी, आप कचौड़ी कहें या पूरी कहें, जो भी कहें, उसको अच्छे से तभी अच्छे से बन के तैयार होता है। तो इसलिए हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे, एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को हमने बना लिया है, और इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट कर देंगे। अब आटे को हम कुछ देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमारी चने की दाल अच्छे से उबल चुकी है, देखिए। तो मैं इसको अच्छे से पका लिया है, तो पर इसको प्रेस करके देख लेते हैं कि अच्छे से पक गया है कि नहीं पका है। ये देखिए अच्छे से प्रेस हो रहा है, यानी अच्छे से ये पक चुका है। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं, जिससे दाल और पानी बिल्कुल अलग हो जाए, जिससे पानी बिल्कुल ना बचे। तब तक ये स्ट्रेन होता पानी मुझे झड़ता है, तब तक मैं एक मिक्सी जार लेते हैं, और उसमें हम कुछ लहसुन की कलियाँ, करीब 8-10 लहसुन कलियाँ, 3-4 हरी मिर्च और अदरक का हम एक ददरा सा पेस्ट बना लेते हैं। इसको देखिए एक अदरक सा पेस्ट बन गया। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी हुई है, और कढ़ाई में हमने डाल दिया सरसों का तेल। आपको भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का अलग टेस्ट होता है, वो अच्छा लगता है ज़्यादा। तो मैं सरसों का तेल डाल दिया है, और जब तेल गर्म हो गया तो इसमें डाल दिया मैंने हींग। हींग से डाइजेशन भी अच्छा होता है, और दाल में एक अलग से स्वाद आ जाता है। और इसमें मैंने डाल दिया जीरा, और जो मैंने दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार किया था लहसुन अदरक और मिर्ची का, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं, और इसको अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत बारीक नहीं करना है, बस चॉप कर लेना है अच्छे से, और इसको अच्छे से हम पका लेते हैं, जिससे किसी का कच्चापन चला जाए। उसमें हम नमक डाल देते हैं, जिससे कि हमारे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं जो मैंने चना उबाल के रखा हुआ था, इसको इसमें डाल देते हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे चना अच्छे से इसे मिक्स हो जाए। आप चाहें तो दाल को पीस के तब डाल सकते हैं, लेकिन मैं दाल इसको मैं पीसा नहीं है। ऐसे इसे मिलाते रहेंगे ना, तो ये अच्छे से बारीक हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, नहीं मिक्स हो जाता है। और इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं आप, जो मसाले धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं सिंपल सा बना रही हूँ, क्या चीज़ सिंपल सा है, और अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप मसाले पसंद करते हैं तो मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया हरी धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए अच्छे से कि बिल्कुल दाल इसमें से मिक्स हो गई है, और इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। अब हम आटे को जो हमने रेस्ट करने के रखा था, उस पर अच्छे से फिर से मसाले लेते हैं अच्छे से, जिससे मादा आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा डो लेकर, थोड़ा सा आटा लेकर इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। और देखिए मैं छोटी सी लोई बनाकर इसमें हम दाल को फिल करते हैं। आपको जिस साइज़ की छोटी बड़ी पसंद हो उस साइज़ की आप बना सकते हैं। इसको देखिए अच्छे से, आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब बहुत ना हार्ड ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी दाल की पूड़ियाँ फटती नहीं है। तो देखिए अच्छे से इसको फिल कर लेते हैं,
और इसको हल्के हाथ से प्रेस करके इसको स्प्रेड कर देते हैं, जैसे कि दाल अच्छे से इसमें हमारी पूरियों के अंदर फैल जाए। ये हमारे बिहार की बहुत ट्रेडिशनल डिश होती है, बिहार और यूपी की। हमारे यहाँ जब नई बहू आती है ना तो ये ज़रूर बनवाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ होता है कि नहीं होता। अब हमने गैस पे तेल रख दिया और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हमने डाल दी अपनी दाल की पूड़ियाँ। और देखिए कितनी खस्ता खस्ता करारी करारी से दिख रही होंगी आपको, ये नॉर्मल गेहूं की आटे की पूड़ियाँ हैं, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही इनको हमको अच्छे से करारी होने तक पका लेना है। तो हमारी दाल की पूड़ियाँ आप चाहे एक साथ दो तीन डाल के जैसे बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, उनको मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।